तुम्ही से वादा किया तो तुम्ही से करती हूँ ना, तो फिर मुझे हाँ दिल में जो है क्या है तुम्हें कसम लगे देख कोई भी नहीं है तुम्हारे जो भी है तुम्हारी सोच अच्छी है भी होना चाहिए पहले बात की है वो भी मेरा कहने का ये मतलब जैसा मैंने सोचा है कुछ ना कुछ नहीं बल्कि तुम परफेक्ट सोचो मतलब ये तुम्हें नहीं कह रहा कि वो बड़े कमीने आप ऐसे कैसे क्यों वैसे ही शक्ल से लगते हैं यानी कि तुम्हारी और मेरी सोच बिल्कुल ऐसी चीज है मतलब आपको भी लड़ना चाहिए मैं ओ नहीं मार दे जी बॉस मैं तुम्हें कह दे रहे हैं बॉस मैं बाहर वाला बात जो कर रहे हैं पहले गुजरा वाला कर रहे हैं देखो बॉस बंट आके कह के गया तुम्हें भी कह के गया कि मैं सक्सेस में डिवोर्स देता है बॉस मैं फिर मैं यूसुफ साहब ना गल कर लूंगा तुम एग्री कर लो बाकी हो जाएगा सारा बॉस हर टाइम अपनी नाना फिर बनाया करो बॉस ठीक है बॉस जी ठीक है असं तो मान लेनी बॉस थोड़ी यार पहले तो आप मुझे बताइए क्या तरीका है क्या हो मुझे ये बताएं किसी के मेकअप रूम में आएंगे तो आप ऐसे हैं दरवाजा खुला है दरवाजा बंद हो गया अलबत्ता जो भी है ना आप आर्टिस्ट हो मैं भी आर्टिस्ट हूँ ये कमरे सामने उन्होंने हम सबको दिए हुए नेक्स्ट टाइम आप जो है ना नॉक करके आएंगे यार बंदा अपनी परेशानी उधर संजय ने गल चल रही है एक कमरा दिमाग मेरा खराब है तू ही गल कर बंदा कितने चला जाए कितों वफा नहीं की ये साड़ी फील्ड ही इंज दी है मुंडिया को बहो कुड़ियों को बहो असं समझना तेरे यार दोस्त अगर कुड़िया समझ नहीं तेरे कमरे चलते कि भी कुड़िया के कमरे चलने हैं तू सा मसल के जिम्मे दोस्त होने असं हो गए बंदा कितों अपने डिपार्टमेंट की कुछ ना प्यार ना गल करते हैं कोई अंदर जी फीलिंग्स आ रही वो नहीं आंदियां अज तक वफादार या वफादारी किधरों मिली ही नहीं असं आपा की नहीं कुछ ना वफादारी करते यार अच्छा आप मुझसे क्या वफा चाहते हैं मुझे आप ये बताएं वफा तुम्हें क्या तुम लोगों को वफा से मतलब ही कोई नहीं क्या मतलब मतलब ये कि वफा वफा ही होती है हम लोग ढूंढ रहे हैं वफा हमें कहीं से वफा मिल नहीं रही दिमाग खराब होया घर वाले कह रहे शादी कर लो दोस्त कह रहे शादी कर लो शादी करनी जिससे उस तरह जो माइंड की लड़की नहीं मिल रही कि जो वफा करे तुमने दरवाजे का मैंने का सारा इशू बना के रख दिया क्या शादी कर लो तुम्हें अच्छा लड़का तो काम हो गया जितना रहमा तुम किस तरह का लड़का चाहती हो मैं चाहती हूँ कोई ध्यान रखने वाला इंसान हो जिम्मेदार इंसान हो जो मेरा कम से कम मुझे अफोर्ड कर सके मेरे अखराज अफोर्ड कर सके अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर सके आप माशाल्लाह नफीस लड़की हो और वेल एजुकेटेड हो और अच्छा पहनती हो अच्छा करती हो तुम्हारा हस्बैंड तो वही होना चाहिए ना जो तुम्हें हर चीज हर साइज दे सके मेरा भी ऐसा ही कम से कम अर्न करने वाला यार मेरी भी कितना तो हमारा मेरा ख्याल आदमी है मैं भी ऐसा जो मेरी बीवी जो हो मैं उसका ख्याल रखूँ उसको जो भी सारे पूछूँ क्या खाना है कहाँ जाना है क्या पहनना है उसका हर तरीके से उसका ख्याल रख सकूँ लेकिन आगे से रिस्पॉन्स जैसा तुमने भी दिया आते हुए ऐसा ही मिलता है उस बात को छोड़े बात हमारी दूसरी चल रही है मैं इसीलिए ऐसा लड़का कोई चाहिए जहाँ 5 लाख कमाता हो महीने का कमाता हो या ना कमाता हो बस मेरे पास आ जाए नहीं चाहिए मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी जो बीवी हो मैं उस पर भी 5-6 लाख मिनट हम बात कर रहे हैं।
मेरा भी यही दिल करता है कि मेरी जो बीवी हो मैं उस पर 5-6 लाख रुपया बल्कि जितना वो कहे मैं उस पर इन्वेस्टमेंट करूँ, लेकिन उससे वफा मिले। 4-5 लाख की नहीं है बात, ये कि जो जरूरी चीजें जो जिंदगी में जरूरत होती है, जैसे कि गाड़ी, गाड़ी बहुत जरूरी है। गाड़ी तो बहुत जरूरी है, अगर आप अपनी मिसेस को गाड़ी में नहीं लेके जाओगे, ये चिंग चिंग में लेके जाओगे तो कितने इंसल्ट है कि यार एक बार इतना ड्रामा कर रहे। मैं अपनी लेता हूँ कि मैं अपनी बीवी को चिंग चिंग में लेके जाता हूँ तो स्टूपिड नहीं। गाड़ी ले सकते हैं, गाड़ी मैंने तो सोच के रखा है कि जो मेरी बीवी आएगी मैं उसके लिए जैसी वो के मुझे थोड़े थोड़े आप वैसे लग रहे हैं जैसे मैं चाहती हूँ। उसके अलावा भी बहुत सारी जरूरी चीजें हैं। पहले बात की है वो मेरा कहने का ये थोड़े थोड़े मतलब जैसा मैंने सोचा है। लेकिन यार तुम्हारी सोच अच्छी है, तो यार क्यों नहीं, मियां बीवी रेंट पे रहेंगे, आप घर भी ले सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यार, मैं तो अपनी बीवी को जहाँ मैंने मेरी जो सोच है वो है इक्वल टाउन। अगर उसने कोई मुझे कहा जो टाउन या बैरियर टाउन, बैरियर टाउन नहीं मतलब आप टाउन से निकल जाए, मैं चाहती हूँ डिफेंस कैंप, यानी कि टाउन से निकल टाउन से इसमें आ जाए कोई भी नहीं, तुम और मैं, ना तुम्हारी से बात करने के लिए, जो तुम्हारे दिल में मेरे बारे में मुझे फीलिंग है कुछ ना कुछ, मैं ऐवें ही तुम्हारे कमरे में चक्कर लगाता रहा। मैं ये सोच रही हूँ कि आपके और अपने बारे में कुछ सोचा जा सकता है। कुछ नहीं बल्कि तुम परफेक्ट सोचो यार, तुम्हारी मेरी सोच कितनी मिलती है, जो जो चीज़ तुम कह रही हो वो मैं सारी अवेल करूँगा, गाड़ी भी दूंगा 5 लाख रुपया तुम्हें महीने का खर्चा भी दूंगा, मैंने मिसेस को देना ना। अगर हम लोग देख मेरी बात सुनो, हम आर्टिस्ट हैं, हम लोग जिस तरह की अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं ना, कोई देखो मैं तुम्हें समझता हूँ, तुम मुझे समझ रही हो, मेरी बात सुनो, जो तुम्हारे दिल में सच्ची 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 बात ये कि मैं जो है ना एक चीज से परेशान हूँ कि गाड़ी भी आप दे देंगे, घर भी आप दे देंगे, सब कुछ मिल जाएगा, पर किचन कैसे चलेगा यार। अब्बा जी है ना, अगर उनकी जिंदगी जरा फैक्ट्री करते थी उन्होंने, तो जितना पैसा होगा मेरा ही, उससे घर का खर्चा चलेगा। देखिए मुझे आज के बाद कॉल ना कीजिएगा, मुझे मेरे ना उन्होंने ये वफा इसे कहते हैं। एक्सक्यूज मी, हेलो, हाँ जी, देखिए मैंने आपको कहा कि मुझे कॉल मत कीजिए, अब मैं किसी और की अमानत हूँ जी, फोन बंद करें ठीक है। हाँ मुझे मिल गया है घर देने वाला, गाड़ी देने वाला, अब कॉल बंद कर दें। सबसे ज्यादा इज्जत देने वाला ही हेलो, हाँ क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? देखो तुम मुझे कॉल ना किया करो, वजह ये कि मैं जब भी तुमसे कुछ मंगवाती हूँ मैं तुम्हें बोलती हूँ मैकडॉनल्ड से बर्गर ले, तो मुझे अंडे वाला बर्गर ला देते हो, बस मुझे तुमसे बात नहीं करनी, बंद कर दो। अच्छा तो मैं ये सोच रही थी कि आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं, आप इसी बारे में कब कह रहे हैं मेरे नाम घर गाड़ी फैक्ट्री
क्या? हाँ अभी हमारी बात हुई है ना। कौन सा घर, कौन सी गाड़ी, कौन सी फैक्ट्री? क्या मतलब अभी आपने मेरे साथ बात की है? पागल, मैं तेरे नाल अपने अगले ड्रामे की रिहर्सल कर रहे हैं। क्या उधर सारे डायलॉग ने? क्या बकवास कर रहे हैं, उठे यहाँ से, उठे यहाँ से। नदीम निकालो इन्हें, बाहर निकालो इन्हें, निकलो यहाँ से, बाहर निकलो, निकलो यहाँ से। तेरे वैसे दास रहे हैं ड्रामे।